नोटबंदी के दौरान हम सब एटीएम की लाइन पर लगे और यह सोचकर लगे कि अब भारत में करप्शन, घूसखोरी, आतंकवाद, नकली नोट सब बंद हो जाएगा और एक नया भारत बनेगा। यही तो कहा था ना हमारे नेता ने हमसे। याद कीजिए वो 50 दिन, वो 50 दिन ही क्यों, 8 नवंबर के बाद अगले 3 महीनों की उस किल्लत को, वो नवजात बच्चों को घर में रोता बिलकता भूखा छोड़ माए 8-8, 10-10 घंटा एटीएम की लाइन में खड़े होने को मजबूर थी। कभी कुछ पैसे निकलते वरना ज्यादातर समय तो खाली हाथ ही लौटना पड़ता। बूढ़े माँ बाप की दवाई के लिए वो रात रात भर 3-3, 4-4 बजे तक एटीएम के सामने खड़े रहना। कई युवाओं को अपनी कंप्यूटर सिलाई कढ़ाई की कोचिंग तक बंद करनी पड़ी। वो बुजुर्गों, युवाओं और माताओं पर लाठी चलाती पुलिस। याद कीजिए वो मंजर और शुक्र मनाइए अपनी किस्मत का कि जो दूसरों के साथ हुआ आप उससे बचे रहे। जरा सोचिए अपना ही जमा किया हुआ पैसा निकालने के लिए पुलिस के बेरहम डंडे खाने पड़े, इससे शर्मनाक वाक्य किसी लोकतंत्र में और क्या हो सकता है। पर हमने ये सब सहा क्योंकि हमें विश्वास था कि हम ये सब उस भारत के लिए कर रहे हैं जहाँ करप्शन, घूसखोरी, आतंकवाद, नकली नोटों का बनना सब बंद हो जाएगा और एक नया भारत बनेगा, क्योंकि यही तो कहा था ना हमारे नेता ने हमसे। दिहाड़ी मजदूर, धोबी, हमाल, किसान, पढ़ाई, नाई, छोटे छोटे उद्योगों में लगे तमाम लोग बेहाल हुए। एक झटके में लाखों नौकरियां चली गई। जो रोज कमाता है और रोज खाता है उसके दर्द को समझिए कि उन दिनों उस पर क्या गुजरी होगी, जिसे उस नुकसान से उबरने में अभी सालों और लगेंगे। पर हमने ये सब भी सहा एक नए भारत में, क्योंकि यही तो कहा था ना हमारे नेता ने हमसे। आप और हम तो उन दिनों एटीएम की लाइन में ही लगे थे। क्या आपने किसी बड़े आदमी को लाइन में लगे देखा? ये लाइनें देखकर तो ऐसा लग रहा था कि देश का सारा काला धन इन मध्यम वर्गी और गरीबों के पास ही था। ये गरीब और मध्यम वर्गी ही थे जो घूसखोरी करते थे, ये ही थे जो दहशत गर्दों को पैसा पहुंचाया करते थे, ये ही थे जो नकली नोट छापा करते थे, इन्हीं गरीबों के घर में कमरे नोटों से भरे रहते थे। अरे हमें तो उन लाइनों को देखकर ही तभी समझ जाना चाहिए था कि कितना भद्दा मजाक किया है हमारे नेता ने हमारे साथ। अब तो नोटबंदी के आंकड़े भी सामने आ गए हैं। खोदा पहाड़, निकली चूहिया, मात्र 1% पैसा नहीं लौटा, बाकी सब वापस आ गया। तो कहां गया वो सारा काला धन? क्या कश्मीर में हमारे जवान मरने बंद हो गए, या फिर आतंकी हमले कम हो गए, या नकली नोट छपने बंद हो गए? क्या मिला हमें इस नोटबंदी से? अभी तक तो मन मार के खुद को समझाया था कि चलो हमारी रोजी रोटी, काम धंधा, दुकानदारी का नुकसान हुआ तो हुआ, पर देश का तो फायदा होगा। पर अब जब ये साबित हो गया है कि जो जो हमारे नेता ने हमसे कहा था वो कुछ भी नहीं हुआ, तो फिर क्या थी ये नोटबंदी? हमें समझाया गया था कि अमीरों से पैसा आएगा और गरीबों को दिया जाएगा, पर हुआ ठीक उल्टा, गरीबों से पैसा जमा कराकर अमीरों को दे दिया। अब तो बीजेपी के ही पूर्व वित्त मंत्री श्री यशवंत सिन्हा ने भी देश की तेजी से गिरती हुई अर्थव्यवस्था और बढ़ती बेरोजगारी पर चिंता जताते हुए कहा कि इन विषम परिस्थितियों में नोटबंदी ने आग में घी का काम किया है। हम आंख बंद किए बैठे रहे, हमने उससे क्यों नहीं पूछा कि हमारे 15 लाख का क्या हुआ, और अगर नहीं देना था तो बोला क्यों? हमने उनसे क्यों नहीं पूछा कि जिस GST और आधार कार्ड की आप पानी पी पी के बुराई किया करते थे, आज अचानक वो देश के लिए अच्छे कैसे हो गए? या जब वे नोटबंदी के दौरान अपनी बेटियों की 500-500 करोड़ की शादी कर रहे थे और हमसे कहा कि जब्त करो, तब हमने उनसे क्यों नहीं पूछा कि क्या हम गरीबों की बेटियां आपकी बेटियों से कम प्यारी है? हमने उनसे क्यों नहीं पूछा कि हर साल 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, कहाँ है वो नौकरियाँ? हम किसी को अगर 50 रुपए भी देते हैं तो उसका हिसाब मांगते हैं। यहाँ तो अपना पूरा देश अपना नेता के हाथों में सौंप कर हम चुप रहे। जाहिर है अगर हम हिसाब नहीं मांगेंगे तो कोई भी हमें बुद्धू समझेगा। अब निरंकुश छोड़ा है तो उसके परिणाम भी भुगतने ही होंगे। अपने हिस्से की गलती स्वीकारें, उससे सीखें और भविष्य में इनके झांसों में ना आने का दृढ़ निश्चय करें। नोटबंदी के दौरान हम सब एटीएम की लाइन पर लगे
और यह सोचकर लगे कि अब भारत में करप्शन, घूसखोरी, आतंकवाद, नकली नोट सब बंद हो जाएगा और एक नया भारत बनेगा। यही तो कहा था ना हमारे नेता ने हमसे। याद कीजिए वो 50 दिन। वो 50 दिन ही क्यों, 8 नवंबर के बाद अगले 3 महीनों की उस किल्लत को, वो नवजात बच्चों को घर में रोता बिलकता भूखा छोड़ माए 8-8, 10-10 घंटा एटीएम की लाइन में खड़े होने को मजबूर थी। कभी कुछ पैसे निकलते वरना ज्यादातर समय तो खाली हाथ ही लौटना पड़ता। बूढ़े माँ बाप की दवाई के लिए वो रात रात भर 3-3, 4-4 बजे तक एटीएम के सामने खड़े रहना। कई युवाओं को अपनी कंप्यूटर सिलाई कढ़ाई की कोचिंग तक बंद करनी पड़ी। वो बुजुर्गों, युवाओं और माताओं पर लाठी चलाती पुलिस। याद कीजिए वो मंजर और शुक्र मनाइए अपनी किस्मत का कि जो दूसरों के साथ हुआ आप उससे बचे रहे। जरा सोचिए अपना ही जमा किया हुआ पैसा निकालने के लिए पुलिस के बेरहम डंडे खाने पड़े, इससे शर्मनाक वाकया किसी लोकतंत्र में और क्या हो सकता है। पर हमने ये सब सहा क्योंकि हमें विश्वास था कि हम ये सब उस भारत के लिए कर रहे हैं जहां करप्शन, घूसखोरी, आतंकवाद, नकली नोटों का बनना सब बंद हो जाएगा और एक नया भारत बनेगा, क्योंकि यही तो कहा था ना हमारे नेता ने हमसे। दिहाड़ी मजदूर, धोबी, हमाल, किसान, पढ़ाई, नाई, छोटे छोटे उद्योगों में लगे तमाम लोग बेहाल हुए। एक झटके में लाखों नौकरियां चली गई। जो रोज कमाता है और रोज खाता है उसके दर्द को समझिए कि उन दिनों उस पर क्या गुजरी होगी, जिसे उस नुकसान से उबरने में अभी सालों और लगेंगे। पर हमने ये सब भी सहा एक नए भारत में, क्योंकि यही तो कहा था ना हमारे नेता ने हमसे। आप और हम तो उन दिनों एटीएम की लाइन में ही लगे थे। क्या आपने किसी बड़े आदमी को लाइन में लगे देखा? ये लाइनें देखकर तो ऐसा लग रहा था कि देश का सारा काला धन इन मध्यम वर्गी और गरीबों के पास ही था। ये गरीब और मध्यम वर्गी ही थे जो घूसखोरी करते थे, ये ही थे जो दहशत गर्दों को पैसा पहुंचाया करते थे, ये ही थे जो नकली नोट छापा करते थे, इन्हीं गरीबों के घर में कमरे नोटों से भरे रहते थे। अरे हमें तो उन लाइनों को देखकर ही तभी समझ जाना चाहिए था कि कितना भद्दा मजाक किया है हमारे नेता ने हमारे साथ। अब तो नोटबंदी के आंकड़े भी सामने आ गए हैं। खोदा पहाड़, निकली चूहिया, मात्र 1% पैसा नहीं लौटा, बाकी सब वापस आ गया। तो कहां गया वो सारा काला धन? क्या कश्मीर में हमारे जवान मरने बंद हो गए, या फिर आतंकी हमले कम हो गए, या नकली नोट छपने बंद हो गए? क्या मिला हमें इस नोटबंदी से? अभी तक तो मन मार के खुद को समझाया था कि चलो हमारी रोजी रोटी, काम धंधा, दुकानदारी का नुकसान हुआ तो हुआ, पर देश का तो फायदा होगा। पर अब जब ये साबित हो गया है कि जो जो हमारे नेता ने हमसे कहा था वो कुछ भी नहीं हुआ, तो फिर क्या थी ये नोटबंदी? हमें समझाया गया था कि अमीरों से पैसा आएगा और गरीबों को दिया जाएगा, पर हुआ ठीक उल्टा, गरीबों से पैसा जमा कराकर अमीरों को दे दिया। अब तो बीजेपी के ही पूर्व वित्त मंत्री श्री यशवंत सिन्हा ने भी देश की तेजी से गिरती हुई अर्थव्यवस्था और बढ़ती बेरोजगारी पर चिंता जताते हुए कहा कि इन विषम परिस्थितियों में नोटबंदी ने आग में घी का काम किया है। हम आंख बंद किए बैठे रहे, हमने उससे क्यों नहीं पूछा कि हमारे 15 लाख का क्या हुआ, और अगर नहीं देना था तो बोला क्यों? हमने उनसे क्यों नहीं पूछा कि जिस GST और आधार कार्ड की आप पानी पी पी के बुराई किया करते थे, आज अचानक वो देश के लिए अच्छे कैसे हो गए? या जब वे नोटबंदी के दौरान अपनी बेटियों की 500 करोड़ की शादी कर रहे थे और हमसे कहा कि जब्त करो, तब हमने उनसे क्यों नहीं पूछा कि क्या हम गरीबों की बेटियां आपकी बेटियों से कम प्यारी हैं? हमने उनसे क्यों नहीं पूछा कि हर साल 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, कहाँ है वो नौकरियां? हम किसी को अगर 50 रुपए भी देते हैं तो उसका हिसाब मांगते हैं। यहाँ तो अपना पूरा देश अपना नेता के हाथों में सौंप कर हम चुप रहे। जाहिर है अगर हम हिसाब नहीं मांगेंगे तो कोई भी हमें बुद्धू समझेगा। अब निरंकुश छोड़ा है तो उसके परिणाम भी भुगतने ही होंगे। अपने हिस्से की गलती स्वीकारें, उससे सीखें और भविष्य में इनके झांसों में ना आने का दृढ़ निश्चय करें।